TV9 भारतवर्ष पहुंचा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में। लगातार इस तरीके के इनपुट्स आ रही है कि बर्फबारी पड़ने से ठीक पहले आतंकी ये प्रयास कर रहे हैं कि उनको एक मौका मिल सके ताकि वो घुसपैठ कर सके। लेकिन पिछले अगर महीनों की बात की जाए, रजौरी सेक्टर में लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुँचा दी। यानी कि तकरीबन छः ऐसे आतंकी हैं जिनको रजौरी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास ढेर किया गया। वहीं कश्मीर घाटी में भी उरी सेक्टर के इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। अभी तक 4 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हमारी अलर्टनेस किस तरीके से है, ये दिखाने की कोशिश में हम पहुंचे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा अखनूर सेक्टर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चप्पे चप्पे पर जवान जो है वो तैनात किए गए हैं और पेट्रोलिंग किस तरीके से की जा रही है ये तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। अतिया आधुनिक हथियारों से लैस जवान जो है वो यहाँ यानी कि ग्राउंड जीरो पर पेट्रोलिंग कर रहा है, यानी हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है। लगातार ये इनपुट्स भी आ रही हैं कि त्योहारों से ठीक पहले आतंकी एक बड़े हमले की फिराक में है। जम्मू रेलवे स्टेशन के बाहर भी हाल ही में ही एक आतंकी को, जिसका ताल्लुक TRF से बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया था। इसी सेक्टर में जहाँ हम मौजूद हैं यहाँ पर BSF के जाबाजों ने 4 पिस्टल रिकवर की थी, 100 राउंड कारतूस रिकवर किया था। हमारा मकसद अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहुंचने का ये था ताकि हम आपको दिखा सकें कि किस तरीके से जवान जो है वो अलर्ट नज़र आ रहे हैं। जवानों की निगाहें आप देख सकते हैं किस तरीके से काउंटर पार्ट पर हैं। अत्याधुनिक हथियारों से यहाँ पर पेट्रोलिंग की जा रही है ताकि अगर कोई भी संदिग्ध गतिविधि यहाँ पर दिखती है तो उसको उसी समय रिएक्ट किया जा सके। कैमरा पर्सन अनूप के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए, भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा अखनूर सेक्टर। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।